सरबत दा खालसा विच थापे गए जथेदार ध्यान सिंह मंड दे वल्लों अज श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी दे दफ्तर दे बाहर बैठे सिख नौजवानों दे हक विच SGPC दा विरोध किया गया। उत्थे ही ध्यान सिंह मंड धरने विच शामिल भी होए ते नाल ही कहा जेकर नौजवानों दे नाल किसी बजुर्ग का मोढ़ा मिल जाए तो वह किसी भी सियासत नूं हिला सकते हैं। उत्थे ही उन्होंने कहा कि हर एक व्यक्ति श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों हिसाब मंग सकता है, पर यह हिसाब मंगण वाले सिखा उत्ते ही हमला करवा रहे हैं, जो कि अत ही निंदन योग गल है। उत्थे ही ध्यान सिंह मंड वालों यह भी कहा गया कि अज वह धरने विच शामिल होने लई पुजे हन अते धरनाकारियां नूं भरोसा दिवाउंदे हन जेकर किसी भी जगह उत्ते उन्हां दी जरूरत पवेगी तो वह अपने खालसा पंथ दे नाल हमेशा मौजूद रहेंगे। देखो गल इस तरह है कि गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी कोई भी सिख जिहड़ा जिहड़ा उन्हें मत्था टेकदा वह बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक अनोखा जिहा सवाल पैदा होया है भाई सिखा ने कदी किसी का माड़ा नहीं किया तो माड़ा नहीं सोचा, जे किसी दूसरी कौम के उत्ते बिपता पई आ तो सिखा ने अपने सिर भी ला दिते ने। बहादरियां दियां जिहड़ियां किताबां ने वो चुक्कियां भी खत्म नहीं हुंदियां। वफादारी जे वेखीए तो वफादारी भी देश नाल भी सारिआं नाल असीं बड़ी निभाई आ। इस भारत दे विच किन्ने धर्म ने सारे सत्कारयोग ने, सारे आपो अपने हिसाब दे नाल मर्यादा दे हिसाब नाल अगे वध रहे ने, पर सानू शरीरक तौर दे उत्ते तां गोलियां भी मारियां, साडे अकाल तख्त भी ढा दित्ते, सारा कुछ कर दिता गया, ते असीं फिर भी हौसला नहीं छड्डिया, फिर भी असीं निम्रता नहीं छड्डी। असीं 6.5 महीने दरी दे उत्ते बैठ के भी असीं सारी कौम दे सारे लोकां दी सुख मंगदे हां, पर की कौन जवाब दऊगा सानू कि गुरु ग्रंथ साहिब दी बेअदबी क्यों हो रही आ, की कसूर की आ गुरु ग्रंथ साहिब दा, की इहदे विच जिहड़ी बाणी आ गुरु नानक देव ने यह पक्षवाद करदी है, सारिआं नूं बराबरता दा मान सन्मान नहीं दिंदी, की इह सरबत दा भला नहीं मंगदी, गुरु ग्रंथ साहिब नूं निशाना क्यों बनाया जा रहा। दुश्मन साडा अकाल तख्त ढावे असीं लड़न दी जुरत रखदे उहदे नाल, दुश्मन सानू गोलियां मारे तो असी अपने योधियां दे भोग दे उत्ते जकारे रख छड्डन दी जुरत रखते हैं। पर बड़े अफसोस नाल कहना पै रहा, सियाणे कहिंदे आ वी जदों तुसीं अपना झग्गा चुकदे हो ना तो तुहाडा ढिड नंगा हुंदा है। मैनू सरबत खालसे ने सिख कौम की सेवा दी है, सेवादार लाया है, तो मैं समझदा है कि भावें किसी की जथेबंदी छोटी आ भावें वड्डी आ भावें कोई कोई किसी संपर्दा दे नाल आ उन्हां दी आपस विच नहीं मर्यादा रलदी जां कुछ भी आ, कह लो तुसीं देश विदेश विच जिथे भी सिख बैठा, जे मैं अकाल तख्त साहिब का कार्यकारी जथेदार हाँ तो ये सारा मेरा परिवार आ, इहनूं पंथ कहिंदे आ, इहनूं कौम कहिंदे आ, तो उहदी रक्षा करनी, उहदी सांभ संभाल करनी, उहदी वास्ते आवाज़ उठाउणी मेरा सब तो पहला फर्ज आ, तो वह मैं सेवा निभा रहा। मैं गल ये कर रहा है कि देखो दरबार साहब के सामने असी खड़े हाँ, दरवाजे बंद हो जाते हैं, असी कई बार इतने संदेश पढ़न आए तो दरवाजे बंद हो जाते हैं। हुण 328 सरूपां की गल हुई बई, तुसी श्रोमणी कमेटी वाले ज प्रबंधक कमेटी के जिहड़े अहुदेदार ने क्यों गुस्सा करते हो, असी कहड़ा तुहानू कुछ कहने, असी तो ये कहने भी तुसी क्या 328 भी ये जिहड़े 328 सरूप ने जिस दिन इकबाल नूं बाहर कढ़िया सी उस दिन मैं गल कह के गया सी, उस गल नूं हौले विच लिया गया, मैं कहा सी मैं कहा SGPC ते जिहड़े जथेदार बनाए ने वह इस 10 दिन भली भांत आपे कौम दे अगे खुलासा करदे ने भी किहड़ा गुरु ग्रंथ साहिब दा सरूप किधर गया ते किवें गया, की उहदी बेअदबी हो गई, की किसी डेरे च देता की होया उहदे नाल, तुसीं इह सारा कौम नूं स्पष्ट करो, तुहानूं स्पष्ट करना पऊगा, ये तुहाडी नलायकी आ, तुहाडी गलती आ, अज कर लो कल कर लो, पर वो करन दी बजाए अपनी जोर अजमाई। एक कानूनी भी मैं तुहानूं गल दसदा हां कि जिहड़ी SGPC है ना, ये जो भी
प्रशासन नू कहूगी, प्रशासन नू वो गल करनी ही पैनी है, कानून दे विच सारा कुछ है। भावें कि इन्हां दा कोई गुरद्वारा कब्जे विच हो तां कब्जा छडाउणा तां वी पुलिस जाऊगी, जे होर कुछ करना तां वी पुलिस इन्हां दी मदद करूगी, है ना। इन्हां नू माड़ी जी कोई भिणक पैंदी आ, किसे साडे वर्गे ने आउणा होवे जां होर किसे ने आउणा होवे, तां सारी पुलिस धक्क के अंदर वाड़ दिंदे ने, पुलिस आ जांदी। पर तुसीं उहदा जिहड़ा हिसाब किताब उह पंथ नू क्यों नहीं देंदे, की गल आ, किन्ना क चिर च पाओगे? जे कोई शांतमई ढंग दे नाल आ के सत्कार कमेटियां इत्थे आ के कोई गल करदियां, जां कोई गुरसिख गुरु दा सिख आ के इत्थे गल करदा, तुसीं उहदी पग लाउंदे हो, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹੀਏ, ਕਿਹਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਹੀਏ? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ ਜੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਨੇ। ਪਰ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਡਾਂਗ ਮਾਰਦਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਡੀਆਂ ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟੱਕਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦੁਨੀਆ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਚੰਗਾ ਇਹ ਹੋਊਗਾ, ਅਜੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਡੁੱਲੇ ਬੇਰਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜੇ ਕੁਝ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਕੌਣ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ? ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਕੋਈ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਜੋ ਇਹ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰੀਆਂ, ਦੇਖੋ ਸਬਰ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਪਾਓ ਅਕਸਰ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸਬਰ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਛੇਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਭਰ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਜੇ ਭਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਛਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੱਗ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪਰਚਾ ਤੱਕ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਤੱਕ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ। ਕਿਆ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਚੱਲਦੇ? ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਉਹਨਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਸੌਦੇ ਸਾਧ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਾਈ, 98 ਲੱਖ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਤਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਉਹਨਾਂ। ਉਹ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਆ ਪਰਚੇ ਦਰਜ, ਪਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ। ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ SGPC ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਸਤਰ ਕੱਢੇ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ ਟਕਰਾਅ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਰਗਾੜੀ 6.5 ਮਹੀਨੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ 6.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਫੁਟੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਹਨੂੰ? ਦੱਸੋ ਇਹ ਨਲਾਇਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਗੁਰਦੁਆਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਚੁੱਕਦਾ ਉੱਥੋਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਪਰ 328 ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ, ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਵਾ, ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੌਮ, ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਪੱਖ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ 328 ਸਰਕਾਰ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਛੁਪਾਏ ਨੇ, ਛੁਪਾਏ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਛੁਪਾਏ? ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਛਪਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨੇ ਗੁਟਕੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਆ ਇਹ ਕੌਣ ਰੱਖੂਗਾ? ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਸੀ, ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਬਣੀ ਸੀ, ਬੜੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਣੀ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਨਰੈਣੂ ਮੰਤ ਦਾ ਮਹੰਤ ਦਾ ਜੇ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ ਨਰੈਣੂ ਮਹੰਤ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਏ ਸੀ ਨਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਉਣੇ ਹੋ? ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਬੜਾ ਹੀ ਦੁਖੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਜਾਣ,
एस डी पी जी दियाँ तो आई परसों देख लो ढांचा जोड़ा है बदलिया होगा और जो सिख की मन की आस्था जो श्रद्धा है जो आप सारे लैके इतने आने वो श्रद्धा के मुताबिक इतने मर्यादा मिलू सिंह अज वाली जी मीटिंग हुई है एक वधिया सी टाइम कि सारिया सिख जथेबंद पहुंचदियां वा तुम पहुंचे मेरी कोशिश ये है कि देखो एक मीटिंग अकाल तख्त साहब की हुई है मैं उत्थे भी गल की दूसरे उत्थे बेचारे डांगा खा के भी अजे वो साडे नौजवान बैठे हुए हैं ये साडे पंथ की फलवाड़ी है मैं चाहता हाँ कि नौजवान के मोढ़े के नाल बजुर्ग का मोढ़ा लगना भी जरूरी है ना नौजवानों को समझना चाहिए कि बजुर्ग नहीं कुछ करते ना बजुर्गों को समझना चाहिए कि नौजवानों की कोई वागडोर किसी के हाथ में नहीं सारे पढ़े लिखे नौजवान ने सो सानू सारिया हाथ नाल हाथ मिला के पंथ की कौम की सेवा वास्ते अपने आप को समर्पण करके ते तुरना चाहिए सरकार के जो मोर्चे तुम हूँ आए जो कि लग रहा आने वाले समय के कुछ गलों से मन भी रहे पर अच किसी फिर टाल टोल कर रही हो नहीं देखो मैं उत्थे एक गल कह के आया मैं कहा तुहाडियां मंगा ना तो अपनी है ना नजायज ने ये जायज मंगा ने यह एस जी पी सी फटाफट मन लेनिया चाहिए जो वो मन लैन गए तो उन्होंने थोड़ी पाती छावाछ मिल सकती है अगर वो नहीं मनते तो फिर श्रोमणी कमेटी को कोई अधिकार नहीं होगा पहले जो हो गया जे हुण श्रोमणी कमेटी ये तुहानू हाथ लाऊगी जां कोई इहो जी गल करूगी असीं तुहाडे नाल पूरा खालसा पंथ लैके खड़ांगे जदों याद करोगे असीं उदों हाजर हाँ पर इंसाफ तो इंसाफ आ वो तो मिलना ही चाहिए असीं शांतमय ढंग नाल मंग रहे किहड़ा किसे नाल लड़ रहे 328 रूपां दे मगर लगता कोई वड्डा सियासी लीडर हो सकता जी मैं कहना जी पूरी तो पूरी सियासत दे पिछे खड़ी जी लीडर दे आखे सकत्तर ने गल मनी सकत्तर दे आखे जिहड़ा ड्यूटी दे बैठा उन्हें गल मनी ड्यूटी दे उत्ते बैठे ने फिर उस रूप भेजे इस रूप जिथे गए उन्होंने कितने रख ले ये तो हम लम्मा चौड़ा किस्सा है तो फिर की हो गया जी परची कि वही गल है जी जे लफाफे श्रोमणी कमेटी का प्रधान निकलता तो जे जथेदार निकलता तो परची तो बहुत छोटी गुरु ग्रंथ साहब नूं गुरु ग्रंथ साहब समझ लो पर जिहड़े अंदर बैठे लोग ने जिहो जिहा वर्तीरा कर रहे हैं जिहो जिहा ये संगत दे नाल विहार कर रहे हैं ये तो गुरु ग्रंथ साहब नूं मैं समझदा भी किताब भी बंदे ने मुल खरीदी उन्हें संभाल के रखदा जी उहदे नाल भी माड़ा समझदा प्राइम मुदली अमृतसर तो हरजीत सिंह ग्रेवाल दी रिपोर्ट।